आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है जो बॉयंसी का जो फोर्स लगता है ना, वो फोर्स किसके इक्वल होता है, वो फोर्स डिस्प्लेस्ड वाटर के इक्वल होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। यानी कि जैसे कि हमारे पास एक ये टप है और इसमें हमने किसी सॉलिड को यहाँ पर के डिप कर दिया, तो इस सॉलिड पर एक बॉयंसी का फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, उसको उछालना चाहता है, वो उछालने वाला फोर्स कहते हैं इसे, तो बॉयंसी फोर्स। ये फोर्स किसके इक्वल आया, तो ये बताया था किसने, आर्किमिडीज ने, कि ये फोर्स तो डिस्प्लेस्ड वाटर के इक्वल होता है। आप बस ये देख लीजिए कि बीकर में से कितना पानी निकल करके आया, उसका वेट कर लीजिए, उतना ही फोर्स ये है। ये हमारे पास एक टफ हो गया, ठीक। अब हमने इसमें एक सॉलिड को इमर्ज कर दिया, ये सॉलिड इसके अंदर चला गया, तो ये इतना पानी इसमें से बाहर हो जाएगा, ये इतना पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा, ये जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इस टप में से निकल करके ये बाहर आ जाएगा, ये इसमें से बाहर निकल करके आ जाएगा, ये पानी यहाँ आ गया, यहाँ जाएगा और ये यहाँ से पानी खत्म, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पानी इसमें से कम हो जाएगा और वो पानी बाहर निकल करके आ जाएगा। तो अब हमें क्या देखने को मिलता है, इसके वेट में लॉस देखने को मिलता है। अगर हमने यहाँ पे मशीन लगा रखी है, ये मशीन ऐसी मशीन होगी जो कि इसके वेट को मेजर कर सकती है, ये मशीन, तो इसके वेट में कमी आ गई, यानी कि अब हमें वेट कम दिखने लगा। पहले ये 5 kg था और जैसे हमने इसको वाटर में इमर्ज किया तो ये बताने लगा 2 kg है। तो ये जो 2 kg है, इस वेट को बोलेंगे हम अपेरेंट वेट। क्या बोलेंगे इसे, अपेरेंट वेट। 2 kg हुआ आपका अपेरेंट वेट, और एक्चुअल में वेट कितना है, एक्चुअल में 5 kg है। तो एक्चुअल में, और इसमें से वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है, 3 kg, वो इधर निकल करके आ गया। तो अब ये 5 कैसे बनेगा, 5 इसका एक्चुअल वेट था, मशीन 2 बता रही है, इसको हम अपेरेंट वेट बोल रहे हैं, और ये आपका एक्चुअल वेट है, और 5 में से 2 निकाल दीजिए, कितना बचा, 3। वो 3 कहाँ चला गया, इस डिस्प्लेस वाटर में चला गया। वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर आपका कितना है, 3 kg, ठीक है, ये वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर है। अब मुझे बताइए क्या इन दो का सम किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। तो हम एक्चुअल वेट को कैसे लिखेंगे, एक्चुअल वेट इज इक्वल टू सम ऑफ अपेरेंट प्लस वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन को रिलीज कर सकते हैं, एक्चुअल वेट इज इक्वल टू सम ऑफ द अपेरेंट वेट प्लस वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। अपेरेंट वेट वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ये क्या है, एक्चुअल में वेट। और ये किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिस फोर्स इज इक्वल टू बॉयंसी फोर्स। तो इसको मैं यहाँ पे बॉयंसी फोर्स लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको बॉयंसी फोर्स लिख दिया, वेट ऑफ द अपेरेंट वेट प्लस बॉयंसी का फोर्स, ये एफ लिख सकते हैं, और ये एफ अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, तो इसको यहाँ पे हम अपवर्ड भी लिख सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन वाला, और ये है आपका एक्चुअल वेट। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालिए, अपेरेंट वेट की वैल्यू कितनी बनेगी, इज इक्वल टू एक्चुअल में से किसको माइनस कर देंगे, एक्चुअल वेट माइनस बॉयंसी फोर्स, इसे ध्यान रखना, सिंपल है, ज्यादा हार्ड कोई ना है। तो अपेरेंट वेट की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, एक्चुअल वेट में से बॉयंसी निकाल दीजिए, निकल करके आ जाएगा एक्चुअल वेट। टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो, यानी कि वाटर, अब हम ये स्टडी करेंगे जो कि आप अपने डेली लाइफ में देखते हो, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं बहता हुआ पानी, डेली देखते हैं,
नलके से गिर रहा है, नाली में बह रहा है, लेकिन हमने कभी इस बात पे गौर नहीं किया होगा कि ये दो तरीके से बहता है, तीन तरीके से बहता है, चार तरीके से बहता है। वाटर हमारा दो तरीके से बहता है, एक को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। अब स्ट्रीम लाइन का देखिए क्या क्या होता है। नंबर एक स्ट्रीम लाइन, पानी बह रहा है इस तरीके से बह रहा है कि हम पानी के मेंबर ले लेते हैं, पानी के कुछ पार्टिकल्स ले लेते हैं। सपोज देन एक ये पार्टिकल्स है वाटर का, एक पार्टिकल्स ये है, एक ये है और ये है और ये, इनकी कतार सी बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है, और ये सारे के सारे वाटर के जो पार्टिकल्स है एक सीधे लाइन में जा रहे हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इसकी स्पीड अगर 20 है तो इसकी भी 20, इसकी भी 20, इसकी भी 20, ना ही एक दूसरे को कोई ओवरटेक कर रहा। सीधा अगर एक पार्टिकल जा रहा है तो दूसरा भी उसी के पीछे पीछे सीधा जा रहा है। तो इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। वाटर का ये फ्लो कौन सा कहलाता है? स्ट्रीम लाइन फ्लो। इसमें जो पार्टिकल्स की स्पीड रहती है, वाटर के जो पार्टिकल्स रहते हैं उनकी जो स्पीड रहती है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहती है। ऐसे फ्लोवेंट को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। इसमें थोड़ा सा और समझिए, ये वाटर के जो मेंबर्स हैं ये सीधे जा रहे हैं, और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, इनके नाम रख देते हैं, मतलब सेज दे ए, ये बी, ये सी, डी, ई और ये एफ। हमने थोड़ी देर बाद देखा कि ये पार्टिकल, ये ए यहीं है, बी भी अपनी पोजीशन पे है, सी भी अपनी पोजीशन पे है, डी भी अपनी पोजीशन पर है, ई भी और एफ भी। तो हमें कैसा ऑर्डर देखने को मिल रहा है, कैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सेम, अभी भी वैसा ही था पैटर्न, थोड़ी बाद देखा अभी भी वैसा ही पैटर्न रहा, थोड़ी देर बाद भी वैसा ही रहने वाला है। दैट फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो। इसमें कोई भी पार्टिकल एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करता। लेकिन एक दूसरा फ्लो देखिए आप कैसा होता है। सपोज दैट ये वाटर के मेंबर हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, और ये भी चल रही है, ये भी एक ऐसे ही चल रही है। लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें देखो क्या होता है, ई यहाँ पे था। हमने थोड़ी देर बाद ये नोट किया कि ए पार्टिकल आगे आ गया और बी को पीछे कर दिया, ये ऐसा ओवरटेक किया ए यहाँ से और ये यहाँ आ गया, तो ये पार्टिकल पीछे हो गया, कौन? बी। बी पीछे हो गया और ए आगे आ गया। और ऐसे ही सी ने क्या किया? सी ने ए इतनी लंबी छलांग मारी और वहां से गया, ई के आगे चला गया और ये यहाँ पे आ गया, कौन? सी। सी पार्टिकल यहाँ आ गया और ई पीछे रह गया, ये ई पीछे आ गया और ये। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे, ये ऐसे ऊपर नीचे अपनी स्पीड बढ़ाई, ऊपर गया फिर ऐसे गया और फिर ओवरटेक कर करके आगे निकल गया। पार्टिकल्स ऐसे गया ऊपर की तरफ और फिर ओवरटेक करते हुए यहाँ पे आ गया, जैसे ओवरटेक करते हैं हम। अब ओवरटेकिंग कब होगी? जब पीछे वाले मेंबर की स्पीड जरूर ज़्यादा रही होगी और इस वाले की कम रही होगी। अच्छा, जब ये ओवरटेक कर गया तो इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली होगी, अच्छा तू मेरे से आगे निकल गया, मैं तेरे से आगे निकलता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो स्पीड रहती है ना वाटर पार्टिकल की, वो सेम नहीं रहती, किसी की ज़्यादा किसी की कम, किसी की ज़्यादा किसी की कम, कोई ऐसे चल रहा है फिर आगे निकल गया ये। तो इस तरह का फ्लोवेंट क्या कहलाता है आपका? टर्बुलेंट फ्लो। तो ये है आपका टर्बुलेंट फ्लो। कौन सा फ्लो? टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अब हमें देखने को कहा मिलता है इसको? पाइप में देखिए इसको, पाइप में। ये हमारे पास एक पाइप है, ठीक। इस पाइप में वाटर ऐसे सीधा बह रहा है, ऐसे एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये अपनी कतार में है, इसके मेंबर हैं, इस वाली लेयर के मेंबर इस कतार में हैं, इस वाली लेयर के मेंबर इसी कतार में, कोई दूसरे की लाइन में नहीं जा रहा, कोई भी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर रहा। जो अपनी लाइन में है वो अपनी लाइन में है, सीधे चल रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप सीधे जा रहे हैं। तो ये कौन सा फ्लो होगा? स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। तो ये हमने केस लिया किसका? एक पाइप का, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। अब दूसरा देखिए, ऐसा भी हो सकता है, ये हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप में क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स ऐसे गया ऊपर और ऐसे गया, कोई ऐसे कोई ऐसे,
हैं ऐसे चल रहा है, तो ये सीधे नहीं चल रही, ये उल्टे सीधे चल रही है, तो ये कौन सा फ्लो वेंट है? ये टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो। और इनकी स्पीड अगर ज़्यादा हो गई तो ये पाइप में टक्कर मारकर पाइप को फाड़ भी सकती है, पाइप को हिट करेंगे और पाइप फट जाएगा। तो इसमें स्पीड जो रहती है वाटर्स की वो सेम नहीं रहती, और सेम ना होने की वजह से वाटर के पार्टिकल इधर उधर को घूमते रहते हैं। ठीक है, कौन सा फ्लो है? टर्बुलेंट फ्लो। अभी समझ में नहीं आया, अभी और देखो। एक नदी है, उस नदी में एक पत्थर आ गया, सामने ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है, उसमें एक पत्थर आ गया, वाटर के पार्टिकल्स, वाटर के मेंबर उससे टकराए, और जब टकरा करके देखो क्या होगा, ये रास्ते में एक पत्थर आ जाता है ये, और इधर से पानी जा रहा है, और उधर का पानी इस पर प्रेशर मारता है, जो मेंबर ऐसे सीधा आ रहा था उसको ऐसे कर देता है वो, तो ये सीधा जा रहा था और ये ऐसे कर देता है, और ये ऐसे हो जाता है, वाटर सीधा ऐसे जा रहा था और ये वाटर का मेंबर इस तरीके से हो गया, है ना, और ये ऐसे ये हो जाएगा, और ये ऐसे जब सीधा जाएगा होकर के ऐसे जाएगा, इसमें टक्कर मारेगा, टक्कर मार करके ये ऐसे होगा, ये इसमें टक्कर मारेगा, टक्कर मार करके फिर ऐसे जाएगा, हैं, ये ऐसे जाएगा। कौन सा फ्लो है ये? टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ अभी स्ट्रीम लाइन था, पीछे स्ट्रीम लाइन था, लेकिन जैसे ही सामने गड्ढा आया, सामने पत्थर आया, तो कैसा फ्लुएंट हो गया? टर्बुलेंट फ्लो हो फ्लुएंट हो गया। और हम देखते हैं कि जहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो होता है, जहाँ पर वाटर के मेंबर्स की स्पीड चेंज होती है, वहाँ पर झाग भी बनते हैं, वाटर की स्पीड भी चेंज होती रहती है, झाग बन करके पानी ऊपर उठता है ना, जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ये ऊपर से पानी गिरता है नलके से, ये बिल्कुल ऊपर से हमें ट्रांसपेरेंट दिखता है, बिल्कुल जब आप टूटी खोलते हो, नलके से पानी निकालते हो, ऊपर से ट्रांसपेरेंट दिखता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे जैसे नीचे जाता है वाटर, तो ये वाटर की ये जो लाइन थी ये इस तरीके से दिखती है, तो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, फिर ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता आपको पानी नीचे। देखा, कभी नोटिस किया? जब पानी ऊपर से गिरता है तो स्टार्टिंग में ट्रांसपेरेंट दिखता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाता है फिर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो वाइट वाइट दिखता है, फिर तुम्हें वाइट कलर का दिखता है। वो वाइट कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि वो फ्लुएंट कौन सा है? टर्बुलेंट फ्लो है। अगर वो स्ट्रीम लाइन में है तो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा पानी पक्का, और वाइट कब दिखेगा? जब टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो टर्बुलेंट फ्लो होने पर वाटर की स्पीड चेंज हो जाती है और आपको वाटर वाइट कलर्स का नजर आने लगता है, लेकिन स्ट्रीम लाइन का होगा तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा, आर पार दिखेगा, बिल्कुल सामने कौन है सब दिखेगा, वाटर सीधा बह रहा था। बट हम देखते हैं कि जैसे ही रास्ते में पत्थर आता है तो उसका फ्लोमेंट बिगड़ जाता है, और उसका फ्लो कौन सा बन गया? टर्बुलेंट बढ़ गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर नोटिस किया कि अभी वाटर बिल्कुल सीधा बह रहा था, स्ट्रीम लाइन फ्लो में था, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय बाद उसका जो फ्लो था वो चेंज हो गया, टर्बुलेंट हो गया, यहाँ तो रास्ते में पत्थर नहीं आया, तो फिर यहाँ पे ये टर्बुलेंट क्यों हुआ? तो हमने इसकी फिर स्टडी करी कि कब वाटर स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट होगा और कब नहीं होगा। तो हमने स्टडी ये करी कि अगर एक वाटर्स को ज़्यादा स्पीड, वाटर की वेलोसिटी को बढ़ा देंगे, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा करेंगे, कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, अगर उससे ज़्यादा वेलोसिटी आप करोगे वाटर की, तो वाटर का जो फ्लो होगा, वाटर का जो फ्लुएंट होगा वो चेंज हो जाएगा, और वो फिर कौन सा हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लुएंट हो जाएगा। तो हर एक फ्लूइड की एक वेलोसिटी होती है, अगर उस वेलोसिटी से नीचे तक आप उस फ्लूइड को फ्लो करा रहे हो, तो फिर वाटर उस फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो आपका स्ट्रीम लाइन में होगा, और उससे ज़्यादा वेलोसिटी से आप फ्लो कराओगे वाटर को, या फिर लिक्विड्स को, या किसी भी फ्लूइड्स को, तो उसका जो टर्बुलेंट, उसका जो फ्लोमेंट होगा वो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो उस वेलोसिटी का नाम रखेंगे, फिर उस वेलोसिटी का नाम रखा हमने क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या नाम रखा? क्रिटिकल, यानी कि ये बहुत क्रिटिकल है, अगर आपने इससे ज़्यादा कर दिया तो स्ट्रीम लाइन से तुरंत कौन सा फ्लोमेंट आ जाएगा? वो टर्बुलेंट फ्लोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हर एक पाइप में जो फ्लूइड जो बहता है ना, उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड रखी जाती है, उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रखी जाती है,
अगर आप उससे ज़्यादा वेलोसिटी करोगे तो कौन सा फ्लोवेंट आ जाएगा, टर्बुलेंट। और टर्बुलेंट फ्लो में वाटर्स के जो मेंबर्स की जो वेलोसिटी रहती है वो कैसी रहती है, चेंज हो जाती है, बढ़ भी जाती है, और फिर क्या करता है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है किसकी, पाइप की दीवारों पर, पाइप की दीवारों पर ऐसे जा करके प्रेशर लगाएगा। और हमने और ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी तो, और ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी तो ये वाटर और ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, और एक टाइम ये ऐसा आएगा कि ये पाइप को ही फाड़ देगा। तो जब हमें बहुत दूर दूर तक वाटर को भेजना रहता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, आपका वो फ्लूइड आपका पेट्रोल भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, या फिर वाटर भी हो सकता है, तो हर एक फ्लूइड की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रखी जाती है, और उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। उससे ज़्यादा वेलोसिटी करोगे तो फ्लूवेंट चेंज हो जाएगा, कौन सा फ्लूवेंट आ जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो आ जाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हुई, द मैक्सिमम वेलोसिटी अबाउ विच द फ्लूवेंट बिकम्स टर्बुलेंट, या फिर इसको दूसरे शब्दों में आप क्या से कह सकते हो, द मैक्सिमम वेलोसिटी बिलो विच जिससे नीचे द वाटर का फ्लूवेंट कैसा रहे, कैसा रहना चाहिए, स्ट्रीम लाइन में रहना चाहिए, बिलो विच। दो वेलोसिटी है ना आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास ये वाटर ही है, और वाटर की मैंने कही आपको कि 50, मान लीजिए कि इसकी 50 मीटर पर सेकंड ये इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी, इससे ऊपर जाओगे टर्बुलेंट, इससे नीचे रहोगे तो स्ट्रीम लाइन। तो आप क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन दो तरह से बना सकते हो, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अबाउ विच द फ्लूवेंट ऑफ द फ्लूइड बिकम टर्बुलेंट, या फिर बिलो विच स्ट्रीम लाइन।